54वां दिन है लॉकडाउन का। 135 करोड़ का देश, 45 करोड़ मजदूर और उनके कुछ 30 करोड़ ऐसे परिवार वाले जो उनके ही पर निर्भर हैं खाने पीने के लिए। और ऐसा किसान प्रधान हमारा देश, हम अपने घर में सुख शांति से लॉकडाउन के समय में अपना खाना अनाज भर के समय बिता रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सुखी हैं। इस कड़कती धूप में जहाँ पर अगर भुट्टा रखा जाए, अगर मक्का रखा जाए तो उसका पॉपकॉर्न बन जाए। हंसी आ रही होगी ना, लेकिन हंसने वाली बात नहीं है। आदमी की आतड़ियाँ भूख के मारे और गर्मी के मारे फट के बाहर निकल रही है। अपने घर की तरफ जाने के लिए, एक शांति सुकून की नींद के लिए, एक राहत की रोटी के लिए जो आदमी, जो मजदूर कमाते कमाते शहर तक पहुंच गया था रोटी कमाने के लिए, आज फिर से रोटी के लिए ही अपने गांव जा रहा है। हमने हर चीज़ में, हर फंड में पैसे दे के, सब कुछ सेवा काम करके, कुछ लोगों ने अपने अपने सारे के सारे सोशल मीडिया में पैकेट बांट बांट के, फ़ोटो खींच खींच के, वीडियो बना बना के, सब कुछ हो गया। लेकिन हर रोज़ कहीं ना कहीं मजदूर मर रहे हैं। मैं आंकड़े और बाकड़े और फुटेज और वीडियो की बातें नहीं करूँगी। यहाँ पर कोई न्यूज़ चैनल की तरह मैं कुछ भी नहीं शेयर करूँगी। ना मैं कोई फलानी हूँ, ना मैं कोई ढिकानी हूँ, ना मेरे पास इतना कोई पैसा है, ना मैं इतना कोई बड़ा वाला सोशल सर्विस कर सकती हूँ, ना मैं कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक सेवी हूँ कि मैं एकदम से कोई मीडिया खड़ा करके कोई चीज़ को प्रस्तुत कर सकती हूँ या बोल सकती हूँ। पर बड़े बड़े समझदार लोग इतना बचपना कर रहे हैं जहाँ पर उनके पास में ताकत है सोशल मीडिया की, तो मुझ जैसे अनजान बेनाम, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, मुझे बोलना पड़ रहा है। आज मैं बोलने के लिए मजबूर हुई हूँ। मैं हर रोज मोटिवेशनल वीडियो डालती हूँ, लेकिन कल रात से मुझे नींद नहीं आ रही है, तकलीफ हो रही है बहुत, क्योंकि कितने और लोग मरेंगे। कोरोना वायरस जब जाएगा तब जाएगा, WHO जब वैक्सीन बनाएगा तब बनाएगा, लेकिन हमको इस सत्य के साथ में जीना ही पड़ेगा। और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो अभी इस वक्त हिली हुई है, जिसको कोई डॉक्टर नहीं, आप और मैं ठीक कर सकते हैं, अपने घर पहुंचाकर, जो जहां पर फंसा हुआ है, जो जहां की सरकार है, जो भी जहां की ताकत है, जिनके पास में ये ताकत है, वो वहां पर उनको उनकी ST बस या कोई किसी भी तरीके की सेवा से, कैसे भी ये जो चलते हुए मजदूर हैं, जो अपने घर की तरफ जा रहे हैं, उनको सेफ एंड साउंड, सुरक्षित अपने घर तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा मसल पावर है। अगर हमारा मसल पावर ख़त्म हो गया ना, हमारी ताकत, हमारा किसान प्रधान भारत अपनी ताकत को खोखला कर देगा ना, तो हमारे घर पर, हमारे टेबल पर रोटी नहीं आएगी, और वो रोटी इतनी महंगी होगी कि हम खरीद नहीं पाएंगे। और ये कटु सत्य है। उनका जीवन बचाना, उनकी औरतों को और उनकी बेटियों को बचाना ज़रूरी है। वो भूख के लिए अपने शरीर का सौदा करने उतर जाए, ये नौबत आना हमारे लिए बेहद शर्म की बात है। मैं औरत हूँ, मैं माँ हूँ, और मैं इस देश की बेटी हूँ। मेरा यही अस्तित्व है। अगर ये कहर अभी नहीं रोका ना, तो फिर राम ही जाने, रामायण बाद में देखना, राम पहले धरती पर आ जाएंगे। जय राम जी की।